हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुसाई फैमिली ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 5 बजे से। और दोस्तों, आज हम आ रखे हैं कोटद्वार में, कण्वाश्रम है वहाँ पर आ रखे हैं घूमने के लिए, मैं, किरण और कुणाल। तो हम यहाँ आए हुए थे कोटद्वार में कण्वाश्रम के आसपास, तो हम आज शाम को यहाँ पर घूमने आए हैं। और कण्वाश्रम, जैसे कि आपको पता ही है, कण्वाश्रम महर्षि वशिष्ठ और कर्ण ऋषि की तपोभूमि है। और राजा, जो चक्रवर्ती राजा थे भरत, उनकी जन्म स्थली भी यहीं है। ये जगह बहुत ही सुंदर है। पीछे देखिए आप, ये पहाड़ों के बीच में जो बसा हुआ एक तलहटी क्षेत्र है, और नीचे मालिनी नदी बह रही है। और यहाँ पे महर्षि वशिष्ठ और कर्ण ऋषि की जो है उनकी प्रतिमाएं हैं, उनका मंदिर बना हुआ है। अभी मैं आपको वहां के भी दर्शन करवाऊंगा। तो दोस्तों, आप ऐसे ब्लॉग में बने रहें आगे, जिससे कि आपको जो चीज़ें मैं आज दिखा रहा हूं कोटद्वार आके या कण्वाश्रम आके, तो वो आप मिस ना करें। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहें ऐसे ही आगे। तो आप देख रहे हैं कि सारे पीछे जो है घाटी में बसा, और आप यहाँ पर आगे एक मंदिर है नीचे घाटी के आसपास, तो और वहाँ पे नहाने के लिए भी हैं, यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ गई हुई हैं, और बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। और इधर भी आप देखो, मालिनी नदी बह रही है, और लेकिन ये बरसात के टाइम पे अपना रौद्र रूप दिखाती है, पूरा जो है कोने और दोनों छोर पूरे भर के नीचे तक बहती है, और जो आगे क्या कहते हैं खो नदी में मिलती है आगे जाके। और ये देखिए सामने, ये कोई बीज है पेड़ का, फूल है, पता नहीं क्या है, उसको खा रहा है बड़े मस्त होके। जय बजरंग बली की। डर नहीं लग रही उसको? अभी गिर गया, डंडी तोड़ रहा है यार, टांग से नीचे की डंडिया कैसे पकड़ रखी है जहाँ पे वो है। दोस्तों, अभी आपने देखा, मैंने आपको मंदिर की जो है मूर्तियां दिखाई, वहाँ पे राजा भरत की मूर्ति भी लगी हुई है, और महर्षि वशिष्ठ और कर्ण ऋषि की भी मूर्तियां लगी हुई हैं। ऊपर भी है क्या? देखते हैं ऊपर क्या है। देखिए, बड़ा सुंदर सा नज़ारा है, सामने लोग बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं। भगवान की मूर्ति है, भगवान के देख वो बने हुए है ना। आए दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या है। लग रहा है अंदर थोड़ा सा, खोलते हुए जानवर जुड़े ना। यहाँ से उधर से फिर वो घूम करना पड़ेगा पूरा। तो अब हम चलते हैं वापस, दर्शन हो गए। दोस्तों, जगह बहुत अच्छी है, यहाँ घूमने फिरने के लिए, नहाने के लिए गर्मियों में बहुत बढ़िया है, ट्रैकिंग करने के लिए भी बढ़िया। आगे आप वहाँ पे जा सकते हैं घूमने के लिए। दोस्तों, ये देखिए कितनी सी जगह घूमने की। दोस्तों, तो अगर आप कोटद्वार आते हैं और इधर उमरावपुरी किशनपुरी की तरफ आते हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। आप सामने देख रहे हो,
ये तलहटी में ये देख रहे हो, यहाँ पूरी जगह घूमने की है, यहाँ नहा भी सकते हो आप, देखने लायक बहुत अच्छी जगह। और यहाँ पे ऊपर जो है, यहाँ पे इस साइड में ऊपर वो भी है, क्या कहते हैं, एक जू भी है जो आज बंद था, हम जा नहीं पाए, वहाँ गए थे लेकिन वापस आ गए वहाँ से। केकड़ा है वो, मच्छी देखियो, गहरा होगा कि तो ये नीचे से पानी आ रहा, गहरा नहीं होगा वो, पानी आ कहाँ से रहा है। सूरज देख,